हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम लिमिट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। लिमिट x टेंस टू -3, 2x² प्लस 9x प्लस 9 डिवाइड बाई 2x² प्लस 7x प्लस 3। सो सबसे पहले ये मैं -3 अप्लाई करके देखता हूँ। सो -3 का स्क्वायर होगा 9, 9 इंटू 2 18, इट मीन्स 18 प्लस 7 इंटू -3, सो -21 एंड प्लस 3, सो 18 -21 प्लस 3, तो ये ज़ीरो हो रहा है और लिमिट की कंडीशन है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो रहा है तो हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो अब हम समझते हैं कि फैक्टर्स में कैंसिल क्या होगा। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, आपको लिखना है x, फिर ये -3 है तो आपको अपोजिट साइन रखनी है +3। इसका मतलब है फैक्टर्स निकालने के बाद भी आपको पहले से पता है कि x प्लस 3 कैंसिल होने वाला ही है। सुनाओ, आइए हम न्यूमरेटर के में पहले फैक्टर्स निकाल देते हैं। सो 2x² प्लस 9x प्लस 9। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 2 है इसे 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 9 इंटू 2 18। अब मुझे मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होगा कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए। तो ये देखिए 2x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9। सो 6 इंटू 3 18 एंड 6 प्लस 3 9। अब फर्स्ट दोनों में से 2x कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू बचेगी x प्लस 3, और यहाँ पर प्लस 3 कॉमन तो वैल्यू बची x प्लस 3। सो नाउ x प्लस 3 2x प्लस 3, तो ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर। अब सेम हमें डिनोमिनेटर के वैल्यूज निकालने हैं। सो डिनोमिनेटर में हम करेंगे 2x² प्लस 7x प्लस 3। सो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 को 3 के साथ। सो आंसर आएगा 2 इंटू 3 6। अब मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आंसर आए। सो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। सो 6 इंटू 1 6 एंड 6x प्लस x 7x। अब इन दोनों में से 2x कॉमन तो वैल्यू बची x प्लस 3, और प्लस 1 कॉमन तो वैल्यू बचेगी x प्लस 3। सो फाइनली x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। अब ये जो वैल्यू बची है, अब ये मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में रखने जा रहा हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सो लिमिट x टेंस टू -3, न्यूमरेटर में मैं रखूँगा x प्लस 3 जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, 2x प्लस 3, एंड डिनोमिनेटर में रखना है हमें x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। तो x प्लस 3 कैंसिल हो गया, और मैंने आपको सम स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि x प्लस 3 ही कैंसिल होने वाला है। देखो x प्लस 3 कैंसिल हुआ यहाँ पर। सो फाइनली जो बचा, पहले एक बार वो लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू -3 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 1। अब हम लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू -3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इंटू -3 प्लस 1। सो 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 एंड डिवाइड बाय -6 प्लस 1। सो -6 एंड प्लस 3 तो ये होगा -3 डिवाइड बाय -5। सो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, अगर हम यहाँ पर माइनस माइनस हटा देते हैं सो आंसर विल बी 3/5। ये होगा हमारा आंसर।
सो देखिए, एक बार अगर आपको मिडिल टर्म अच्छे से स्प्लिट करना आ रहा है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 3/5। और हाँ, कभी आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके बुक में नहीं है, तो आगे पीछे करना, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।